हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कॉस्ट अकाउंटिंग की आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग का। प्रोसेस कॉस्टिंग की आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो रहेंगे हमारे नॉर्मल वेस्टेज, अबनॉर्मल वेस्टेज और अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का। तो चलिए वन बाई वन करके इन तीनों टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग में इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो जो भी प्रोसेस कॉस्टिंग में जो वेस्टेज होती हैं उनको नॉर्मली टू टाइप्स में हम कैटेगराइज करते हैं। एक तो होती है नॉर्मल वेस्टेज और एक होती है अबनॉर्मल वेस्टेज। अब इन दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, चलिए इनको डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल वेस्टेज को। तो नॉर्मल वेस्टेज क्या होती है? नॉर्मल वेस्टेज ऑक्योर इन प्रोडक्शन ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, यानी कि जो नॉर्मल वेस्टेज है वो प्रोडक्शन में अनअवॉइडेबल रीजन से होती है, जैसे कि इवेपोरेशन, श्रिंकेज, ब्रेकेज, स्पॉयलेज, ठीक है ना। देयर कैन बी एनी रीजन कि जैसे मान लीजिए कोई आपका जो भी रॉ मटेरियल आप डालते हैं उसमें श्रिंकेज हो जाए, ब्रेकेज हो जाए, किसी कारण से वो उसमें हल्का नॉर्मल जो है स्पॉयलेज हो जाए, तो इन सारे रीजंस से जो आपकी वेस्टेज आती है वो आपकी नॉर्मल वेस्टेज आती है। तो नॉर्मल वेस्टेज में क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो एक स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ नॉर्मल वेस्टेज इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, यानी कि जो हमारे पहले प्रैक्टिसेस रहती हैं उनके बेसिस के ऊपर हम जो नॉर्मल वेस्टेज है उसका हम स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप प्रोडक्शन ए के अंदर अगर आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपने पास जो एक्सपीरियंस से है उससे ये एस्टिमेट किया कि नॉर्मली हमारी जैसे वेस्टेज जो है 5% रहती है। मान लीजिए हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं तो हमारी वेस्टेज 8% आ जाती है, नेक्स्ट प्रोसेस में हम जाते हैं हमारी वेस्टेज 10% आ जाती है। तो इस तरीके से जो हम जो प्रीवियस जो प्रैक्टिसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है नॉर्मल वेस्टेज के हम स्टैंडर्ड जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जो नॉर्मल वेस्टेज जो होती है रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यानी कि जितनी ज़्यादा वेस्टेज होगी आपकी क्वांटिटी उतनी ही जो है वो कम रहेगी। तो जो नॉर्मल वेस्टेज है वो आपकी आउटपुट क्वांटिटी को जो है वो रिड्यूस करती है, और जो भी नॉर्मल वेस्टेज का जो लॉस है एंड दिस लॉस इज चार्ज्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन, यानी कि इस लॉस को हम प्रोडक्शन से चार्ज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट गोज अप टू द एक्सटेंट, यानी कि जिस हिसाब से नॉर्मल वेस्टेज होती है उस हिसाब से जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपकी बढ़ जाती है। अगर ये नॉर्मल वेस्टेज ज़्यादा है तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, नॉर्मल वेस्टेज कम है तो वो उसी प्रोपोर्शन में जो है आपकी कॉस्ट जो है वो कम रहेगी। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ वेस्टेज क्रेडिट इन प्रोसेस अकाउंट, यानी कि जो भी आपकी नॉर्मल वेस्टेज होती है उसको अगर यदि मार्केट में सेल करते हैं तो सेल से कोई भी अमाउंट रिसीव्ड होती है तो उसको हम प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। अब सपोज कीजिए कि अगर यदि एक प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके अंदर 1000 केजी का जो है वो इनपुट डाला गया है, तो अगर यदि नॉर्मल वेस्टेज हमने पास जो परफॉर्मेंसेज है उससे डिसाइड कर रखा है कि नॉर्मल वेस्टेज जो है हमारी 10% रहती है, तो एक्चुअल में जो आपका आउटपुट है वो 900 केजी आना चाहिए। अगर यदि आपकी प्रोडक्शन जो है स्मूथली चलता रहता है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहती तो इस इनपुट के अकॉर्डिंगली जो है आपका प्रोडक्शन हम ये मानते हैं कि जो आपका आउटपुट है वो 900 केजी आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि नॉर्मल वेस्टेज का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। हम एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हम लेते हैं कि जब नॉर्मल वेस्टेज के अंदर कोई सेल नहीं होती, यानी कि नो रियलाइजेबल वैल्यू है, यानी कि नॉर्मल वेस्टेज से आप कोई जो अमाउंट है वो मतलब रियलाइज नहीं कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि एक प्रोडक्शन है उसमें आपने 2000 यूनिट जो है वो इंट्रोड्यूस की है और नॉर्मल वेस्टेज जो है एस्टीमेट से हमने 10% माना है। अदर जो कॉस्ट हैं जो मटेरियल 2000 यूनिट डाली गई है उसकी 8000 है, लेबर 5000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1000। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए इनपुट रहेगी आपकी 2000 यूनिट्स की, ठीक है ना, अमाउंट 8000, लेबर आपका 500, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि 2000 यूनिट्स आपने इसमें इनपुट डाला है, 18000 आपकी कॉस्ट रही है। अब 10% नॉर्मल वेस्टेज है तो 10% नॉर्मल वेस्टेज आ जाएगी आपकी 200 यूनिट्स की, अमाउंट कोई रियलाइज नहीं हुई है, तो जो 1800 है यूनिट्स का उसकी वैल्यू 18000 आ गया।
देखिए कि ये पर यूनिट जो है प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ना, क्योंकि अगर यदि आपकी मान लीजिए वेस्टेज नहीं होती तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 9 रुपये आती, लेकिन अगर यदि आपकी नॉर्मल वेस्टेज रहती है तो ये आपकी जो है वो 10 रुपये पर यूनिट हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा जितनी ज़्यादा नॉर्मल वेस्टेज होगी उतना ही जो है पर यूनिट कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर यदि इसी पॉइंट में हम लेते हैं कि अगर यदि मान लीजिए नॉर्मल वेस्टेज से हमें कुछ रियलाइज हो जाता है, मान लीजिए मार्केट में सेल हो जाता है उसका जो भी आपकी नॉर्मल वेस्टेज आती है, तो सपोज कि नॉर्मल वेस्टेज जो है 4.50 रुपये पर यूनिट आपकी मार्केट में सेल होती है, तो उसी क्वेश्चन में अगर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर जो नॉर्मल वेस्टेज आती है आपकी 200 यूनिट्स की, उसके आगे हम अमाउंट लिख देंगे 900 रुपीज़, तो जो 1800 यूनिट है, पहले जो हमारी 18,000 कॉस्ट आ रही थी, अब जो है कॉस्ट हमारी 17,100 रह जाएगी। तो इस तरीके से अकाउंटिंग हमने ट्रीटमेंट करना है नॉर्मल वेस्टेज का, रियलाइजेबल होता है कोई अमाउंट या रियलाइजेबल नहीं होता, दोनों कंडीशन में हमने इस तरीके से इसको ट्रीट करना है। अब चलिए सेकंड हम डिस्कस करते हैं अब नॉर्मल वेस्टेज को। अब नॉर्मल वेस्टेज क्या होती है कि अब नॉर्मल वेस्टेज इज वन विच इज एक्सेस ऑफ नॉर्मल वेस्टेज ड्यू टू अब नॉर्मल कॉजेज। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल वेस्टेज है उससे ज्यादा अगर यदि मान लीजिए प्रोडक्शन में मतलब वेस्टेज हो जाती है उसको हम अब नॉर्मल वेस्टेज बोलेंगे, सच एज डिफेक्टिव मटेरियल, इसका कोई भी रीजन हो सकता है, डिफेक्टिव मटेरियल, मशीन प्रॉब्लम, फायर से भी आपका अब नॉर्मल वेस्टेज हो सकता है, मशीन ब्रेकडाउन, केयरलेसनेस ऑफ मैन पावर, नेचुरल क्लाइमेटी, तो ये सारे रीजन हो सकते हैं जिसके कारण जो है अब नॉर्मल वेस्टेज हो सकती है। अब हमने एक प्रोडक्शन में मान लीजिए 1000 यूनिट्स जो है इनपुट डाला, नॉर्मल वेस्टेज रहा आपका 10%, मतलब मान लीजिए ये हो जाएगा आपका 100 यूनिट्स का, तो आपकी आउटपुट कितनी आनी चाहिए 900 यूनिट्स की। लेकिन अगर यदि आपकी एक्चुअल में आउटपुट 850 यूनिट्स की आती है तो ये जो 50 यूनिट्स का जो गैप रह गया वो आपका गैप कहलाएगा अब नॉर्मल वेस्टेज, यानी कि जितनी नॉर्मल वेस्टेज से ज़्यादा वेस्टेज होगी वो सारी की सारी जो कहलाएगी वो आपकी अब नॉर्मल वेस्टेज कहलाएगी। क्लियर होगी। अब नॉर्मल वेस्टेज क्या होता है इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कि लॉस ड्यू टू अब नॉर्मल वेस्टेज इज नॉट चार्ज इन प्रोडक्शन अकाउंट, क्योंकि ये हम लोग एस्टिमेट नहीं करते हैं, तो इस कारण से ये जो अवॉइडेबल सर्कमस्टांसेज होते हैं हम इसको हम अवॉइड कर सकते हैं जितने भी सर्कमस्टांसेज होते हैं, तो इसलिए इसको हम प्रोडक्शन का पार्ट न मान के हम इसको प्रोडक्शन अकाउंट से चार्ज नहीं करते हैं। तो जो भी इसका लॉस होता है इट इज़ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। अब जब आपकी अबनॉर्मल वेस्टेज होती है तो उसमें एडजस्टमेंट हम क्या करते हैं कि अबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट डेबिट होता है उसमें एंड प्रोसेस अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है, यानी कि अगर यदि हम इसकी एंट्री लगा के चले तो वो एंट्री रहती है अब नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। ठीक है ना, ये आपकी एंट्री रहती है अब नॉर्मल वेस्टेज की विद द कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल वेस्टेज, यानी कि जितनी आपकी अब नॉर्मल वेस्टेज की कॉस्ट आती है। क्लियर होगी बात। ये इसके बाद आते हैं इफ़ एनी अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ अबनॉर्मल वेस्टेज, यानी कि अबनॉर्मल वेस्टेज को अगर यदि आप सेल करते हैं उससे कोई अमाउंट रियलाइज होता है तो वो अमाउंट जो है प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। राइट, इसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है वो बैलेंस अमाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होती है। मान लीजिए अबनॉर्मल वेस्टेज की जो अमाउंट है वो 900 आती है और जो अबनॉर्मल वेस्टेज आप सेल करते हो 400 रुपये में आपकी सेल हो जाती है, तो जो बैलेंस बचता है आपका 500 रुपये, वो जो 500 रुपये जो है वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर होगी बात। ये चलो इसको एक क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं। अब हमने इनपुट डाला है 2000 यूनिट्स का, नॉर्मल वेस्टेज वही 10% है इनपुट की, नॉर्मल लॉस जो है वो सेल करते हैं आप 4.50 रुपये पर यूनिट से, और जो प्रोडक्शन रहा वो आपका 1740 यूनिट का रहा है। ठीक है, मटेरियल 2000 यूनिट्स 8000 रुपीज का, लेबर जो है 6000 रुपीज़ की, और जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके 4000 रुपीज़ के। तो 2000 यूनिट आपने डाली है तो 10% जो लॉस रहेगा नॉर्मल लॉस वो 200 यूनिट का, तो 1800 यूनिट्स की जो है वो आपकी आउटपुट आनी चाहिए थी, लेकिन आई कितनी 1740, तो जो 60 यूनिट्स हैं वो आपकी अब नॉर्मल लॉस आ जाएगी, अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल वेस्टेज वो आप इसको बोल सकते हो, तो ये आपकी अब नॉर्मल वेस्टेज रह जाएगी। अब ट्रीटमेंट अकाउंटिंग में हम कैसे करेंगे, देखिए 2000 यूनिट आपने डाली है,
8,000 रुपीज की, लेबर और अदर एक्सपेंसेस हमने ले लिए 2,000 यूनिट 18,000 यूनिट्स के, 18,000 रुपीज का। नॉर्मल वेस्ट रहा आपका 200 का, जो कि 900 रुपये में सेल हो गया। अब हमने इस बैलेंस को ट्रांसफर किया कि जो नॉर्मल कॉस्ट है और नॉर्मल आउटपुट का हमने इसको डिसाइड किया, क्योंकि यूनिट में से हमने यूनिट्स को लेस कर दिया और अमाउंट में से जो आपने रियलाइज किया अमाउंट लेस हो गया आपकी। तो नॉर्मल में आपका जो प्रोडक्शन है वो ये होना चाहिए था, यानी कि 1800 यूनिट का होना चाहिए था, जिसकी कॉस्ट जो है 17,100 आनी चाहिए थी। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया बैलेंस को जो आपने कैरी किया आगे। अब जो प्रोसेस में आप ट्रांसफर करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में जो आउटपुट आया है उसका आपका 1740 आया है, तो जो बैलेंस रह गया वो 60 यूनिट्स जो है वो अब नॉर्मल वेस्टेज रहेगी। अब हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है इसका, देखिए 1800 यूनिट्स की जो वैल्यू है 17,100 डिवाइडेड बाई 1800, तो ये आ गया आपका 9.50 रुपये पर यूनिट, और अब नॉर्मल वेस्टेज आपकी 60 यूनिट की रही है, तो इसलिए 60 यूनिट की वैल्यू जो रह जाएगी वो आपकी 570 रुपी यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाती है, यानी कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो है पर यूनिट सेम रहेगी। आप इसको देख लेना, ये भी आपका 9.50 रुपये रहेगा और ये भी आपका 9.50 रुपये रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस चीज़ को आप क्लियर कर लो आप अपने माइंड में कि जो आप नॉर्मल वेस्टेज की कैलकुलेशन कर रहे हैं और दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहे हैं, इन दोनों की वैल्यू जो है वो आपकी सेम रहेगी। क्लियर। अब इसको हम अब नॉर्मल वेस्टेज को ट्रीट कैसे करेंगे, हमने दोनों अकाउंट ओपन कर लिए, अब नॉर्मल वेस्टेज का भी नॉर्मल वेस्टेज का भी, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, तो टू प्रोसेस अकाउंट आ जाएगा। अब नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, हमने यही एंट्री जो है थ्योरी में देखी थी, 60 यूनिट 570। अब ये हमने सेल की है 60 यूनिट 270। अब क्या है कि आपने क्वेश्चन में देखा कि हमने ये देखा था कि नॉर्मल वेस्टेज जो है सेल लिखी हुई थी, हमने अब नॉर्मल वेस्टेज का लिखा हुआ नहीं था कि किस रेट में सेल हो रही है। तो नॉर्मली क्वेश्चंस में जो है कई बार गिवन होता है कई बार नहीं होता, तो जिस रेट में आपकी नॉर्मल वेस्टेज सेल होती है तो आप ये अज्यूम करोगे कि जो अब नॉर्मल वेस्टेज है उस रेट में तो आपकी सेल होगी ही होगी। तो जो 4.50 रुपये में जो आपकी अब नॉर्मल नॉर्मल वेस्टेज सेल हुई थी, तो जो आपकी अब नॉर्मल वेस्टेज है वो भी 4.50 रुपये में ही सेल होगी, तो ये आपका 270 रुपये आ जाएगा, और जो 300 रुपये है वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी तरीके से हम नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट भी हम ओपन कर लेंगे, प्रोसेस अकाउंट में आ जाएगा 200 यूनिट्स 900 रुपीज़ की, और ये आपने सेल कर दी थी, तो इस तरीके से अकाउंट ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये अब नॉर्मल वेस्टेज की हमने किस तरीके से ट्रीटमेंट करनी है। अब आता है आपका अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस और उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो जैसा कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि जो नॉर्मल वेस्टेज है वो आपकी टोटल एस्टिमेट के ऊपर बेस्ड होती है, नॉर्मल जो वेस्टेज है बेस्ड ऑन एस्टिमेट। तो जो एक्चुअल वेस्टेज है वो आपकी कम भी हो सकती है उससे और ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है ना, अगर यदि मान लीजिए वो वेस्टेज ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम अबनॉर्मल वेस्टेज बोलते हैं, जो कि हमने अभी ट्रीट किया, जिसका ट्रीटमेंट अभी किया है। अगर यदि आपकी वेस्टेज कम हो जाती है तो वो कहलाती है आपकी अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस और अबनॉर्मल गेन। ठीक है ना, यानी कि अगर यदि आपकी नॉर्मल वेस्टेज कम होती है, ठीक है, उसको कम होने के कारण जो आपको बेनिफिट होता है वो आपका अबनॉर्मल इफेक्टिव और अबनॉर्मल गेन कहलाएगा। जिस तरीके से हमने अबनॉर्मल वेस्टेज की कैलकुलेशन की है, सिमिलरली उसी तरीके से हम अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है ना, जो अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस है वो प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में शो होती है, क्योंकि रिवर्स हो गया ना, क्योंकि वो आपका वेस्टेज था तो क्रेडिट साइड में जा रही है, ये आपका फायदा है तो ये आपका डेबिट साइड में जा रहा है। अब इसमें देखिए, सपोज कि आपने 1000 यूनिट डाली, 10% आपका वेस्टेज रहा, एस्टिमेटेड वेस्टेज तो 100 यूनिट का रहा, तो आपका आउटपुट 900 यूनिट आना चाहिए था। अगर यदि आपका आउटपुट 950 रहता है तो जो 50 kg जो यूनिट आएंगी वो आपकी अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस आएगी। चलो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम देखते हैं। उसी तरीके से 2000 यूनिट आपने डाली है, 10% है इनपुट जो है आपका नॉर्मल वेस्टेज है, और नॉर्मल जो वेस्टेज है या लॉस है वो सेल होता है आपका 4.50 रुपये पर यूनिट में। आउटपुट आती है 1840 यूनिट्स की, यानी कि 2000 यूनिट 200 हमने इसमें से लेस किया, आउटपुट कितना आना चाहिए 1800 का,
आउटपुट आता कितना 1840 यूनिट का, यानी कि डिफरेंट जो है वो 40 यूनिट का जो है वो अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस रहेगा। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चलिए देखते हैं इसको। ये वाली सारी अमाउंट हमने वही एज इट इज लिखी है, यहाँ तक आपका सेम रहेगा। पीछे जो हमने अबनॉर्मल जो है लॉस वाले में, अबनॉर्मल वेस्टेज वाले में किया, ये वाली अमाउंट भी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। अब आपका आउटपुट रहेगा जो आप दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहे हैं वो 1840 यूनिट्स का रहेगा। अभी आपने ये चीज़ कैलकुलेट नहीं करनी, ठीक है ना। अब आपने उसी तरीके से कैलकुलेट करना है, 17100 डिवाइडेड बाई 1800, 9.50 रुपये आ गया, 40 यूनिट्स आपकी अब नॉर्मल इफेक्टिव है, तो 300 ये 80 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो 40,000 डेबिट साइड में लिखे हैं हमने 380 रुपीज़, और इसी तरीके से 1840 और 17,480, तो ये वाली यूनिट भी जो है 9.50 रुपये से कैलकुलेट होकर आएगी, और ये वाली भी 9.50 रुपये से कैलकुलेट होकर आएगी। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद हम अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। 40 यूनिट हमने ले ली यहाँ पे 380 रुपीज की। अब एक बात समझने की है कि जो हमारा अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस आया है वो किस कारण से आया है, कि हमारी नॉर्मल वेस्टेज कम हुई है तभी तो आया है। तो अब जो सॉरी नॉर्मल वेस्टेज है वो आपकी एस्टिमेट के ऊपर बेस्ड है, तो हमने उसको पहले ही दिखा दिया कि हमने 200 यूनिट जो है 900 रुपीज में सेल कर दी, लेकिन 200 यूनिट हमारा जो है नॉर्मल वेस्टेज रहा नहीं, क्योंकि 40 यूनिट हमारी जो है अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस रही। तो ये वाली जो यूनिट है वो 200 ने होकर 160 है, तो इसलिए हमने नॉर्मल वेस्टेज को जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली जो है 40 यूनिट जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे अब नॉर्मल सॉरी नॉर्मल वेस्टेज की 180 रुपीज में, क्योंकि आप उतनी यूनिट को सेल नहीं करोगे ना, आपने 200 यूनिट की सेल का 900 रुपये दिखा दिया। अब 40 यूनिट आपकी कम बिकी है, तो इसलिए आपने 4.50 रुपये के हिसाब से नॉर्मल वेस्टेज में आप ये अमाउंट डालोगे 180 रुपीज का, तो ये गेन है आपका। तो ये 200 रुपीज है जिस तरीके से लॉस ट्रांसफर किया था, तो उस तरीके से जो प्रॉफिट है वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब जब आप नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाओगे तो प्रोसेस में 200 एंड 900 आ जाएगा, सेल आपने 160 यूनिट की आएंगी 720, और ये आ जाएगा अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस में। अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस में आपकी 40 यूनिट 180 रुपीज में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का ट्रीटमेंट करना है। एक कंप्लीट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो जो भी आगे आएगी उसमें हम जो है कंप्लीट क्वेश्चन जो है तीनों पॉइंट्स का हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू। वीडियो कैसी लगी आप वीडियो को पे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।